कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है इसकी जानकारी आपको देंगे, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पाम ऑयल, राइस ब्रांड में क्या स्थिति है, साथ ही साथ कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और आपको साथ ही साथ विदेशी बाजारों की भी चर्चा करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले विदेशी बाजारों से शुरुआत करेंगे। सीबॉट के बाजारों में लगभग आप देखेंगे, आप पीछे आप देख के चल सकते हैं कि सीबॉट के बाजारों में एक रेंज बाउंड दायरे में ही कामकाज हो रहा है। पूरे हफ्ते में अगर देखा जाए तो 25 से 30 पॉइंट का मूवमेंट आया। कल भी 18 सेंट की मामूली गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। लगातार आप देख रहे हैं जो बाजारों में एक रेंज बाउंड्री दायरे में कामकाज हो रहा है। कल एक बड़ी खबर निकल के आई, जैसे आपको मालूम है हर 15 दिन में टैरिफ रिवाइज होती है, तो टैरिफ रिवाइज देखी गई है। क्रूड पाम ऑयल में $906 हो गई जो पहले 914 थी, पामोलिन में $938 हो गई पहले 932 थी, इसी तरीके सोया डिगम में $977 हो गई। न्यू ड्यूटी की अगर बात करें तो पर टन के हिसाब से ₹37 पर टन का अंतर दिखाई दे रहा है। पामोलिन का ₹69 पर टन की बढ़त देखी गई है। सोया डिगम में ₹51 पर टन की बढ़त बाजारों में देखी जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। इसके हिसाब से आप देख के चल सकते हैं, जो बाजारों में अगर देखा जाए तो मार्केट पे कोई खास इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं बाजार में एक सिर्फ ड्यूटी की र्यूमर चल रही है कि सरकार ड्यूटी लगा देगी सिर्फ 4 से 5 दिन से। इसी कंडीशन से शिवराज सिंह चौहान ड्यूटी लगा देंगे, इस पर ही पूरा तेल बाजार केंद्रित दिखाई दे रहा है। बाजार अपने अच्छे स्तर पर है, बाजारों में आपको खरीदारी करनी है, सही लेवल है। अगर आपको सही समय पर सटीक जानकारी जाननी है तो मॉर्निंग का आप हमारा 9:45 का शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट आप यूट्यूब पर भी जाके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से वहां पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज पाम ऑयल में देखा जा रहा है। मलेशिया में पाम ऑयल की उत्पादन रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है, एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जून में बाजारों में केएलसी में 3900 से 4000 रिंगिट के बीच में ही केएलसी में कामकाज होता हुआ फिलहाल के लिए नजर आएगा। इस सप्ताह अगर सीबॉट की बात करी जाए तो सीबॉट पे बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी गई है। फंड में सीबॉट पे किसी भी तरफ में मोड़ने की कोई बाजारों में बहुत ज्यादा कोई ऐसी न्यूज फ्लैश नहीं हो रही है। अमेरिका में सोया फसल की स्थिति जो है लगातार बेहतर होती जा रही है, इस कारण सीबॉट पे कोई भी बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। अमेरिका में वेज ऑयल में लगातार इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, इस कारण फंड में सोया तेल के मूवमेंट में कोई वजह नहीं मिल रही है। फूड और एनर्जी में सोया तेल का यूज कम होता जा रहा है, इस कारण सोया तेल में तेज होने में भी बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। सोया तेल खामोश रहा, सोयाबीन में भी नुकसान धीरे धीरे बाजारों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी तेलों की अगर हम बात करें, विदेशी तेलों में वायदों में कोई मदद नहीं कर रहे हैं, इस कारण भारत के तेल बाजार में भी बहुत बड़ी तेजी नहीं देखी जा रही है। बाजारों में जैसा कि उम्मीद देखी जा रही है, जैसे जैसे यहाँ पर बारिश शुरू होगी उसके बाद आप एडविल ऑयल की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। फॉरवर्ड में तेल स्पॉट सस्ते हैं, इस कारण जो ट्रेड कर रहे हैं जो ट्रेडर हैं वो आगे की फॉरवर्ड में कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। सीपीओ का हाई सीज फॉरवर्ड स्पॉट बड़े डिस्काउंट से ट्रेड कर रहा है। सीआईएफ सोया तेल फॉरवर्ड का स्पॉट ₹3 किलो नीचे में बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको खाद्य तेलों संबंधित आपको बताई, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति रही। कल की अगर केएलसी की बात करें तो अगर 3 महीने की केएलसी को आकलन किया जाता है तो -2 रिंगिट की गिरावट देखी गई, जबकि करंट केएलसी में बढ़त के साथ कामकाज बाजारों में देखा गया। अब बात कर लेते हैं कल के लोकल बाजारों में भाव क्या रहे। तो सोया ऑयल का बाजार ₹100 रहा, पामोलिन का बाजार ₹92.5, राइस ब्रान ऑयल का बाजार ₹92, मस्टर्ड ऑयल का बाजार ₹121, सोयाबीन सीड का बाजार ₹4680 पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार ₹882, फॉरवर्ड में ₹875, पामोलिन का बाजार ₹905, सोया रिफाइंड ₹950, सोया डिगम ₹885, फॉरवर्ड में ₹880, सनफ्लावर ऑयल का बाजार ₹975 पे आपको फिलहाल के लिए आपने जो बाजारों में कामकाज देखा है वो कामकाज नजर आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। केएलसी के बारे में हमने आपको ऑलरेडी चर्चा बताई दी है, आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें, चाहे फेसबुक पे देखें,
ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर इसी तरीके का फ्री कंटेंट आप लोग जानना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं। और मार्केट की जो भी विदेशी बाजारों की खबरें और जो भी मार्केट पे गवर्नमेंट का अपडेशन होता है, यहाँ पर तुरंत तुरंत आपको मिलता रहता है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। मस्टर्ड ऑयल में बहुत बड़ा मंदे की संभावना फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। मस्टर्ड में आप देख रहे हैं बाजारों में कहीं पर भी बाजार घटे तो वहां पर आप गिरावट पर खरीदारी करेंगे तो वो रेंज आपके लिए बेटर रहेगी, उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अब अगर हम कुछ दाल बाजारों की चर्चा करेंगे तो दालों में चने में बाजारों में ऊपरी बाजारों से नरमी देखी जा रही है और जिस तरीके से सरकार कवायद कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, आने वाले समय में आप दालों के भाव में आपको कुछ गिरावट दिखाई देगी। सरकार जिस तरीके से ड्यूटी वगैरह की बात कर रही है, बाहर से जो इम्पोर्ट तेल आ रहे हैं उस पर बाजारों में जो इम्पोर्ट तेल आ रहे हैं उसके बाद आप देखेंगे कि जो उस पर रोक अगर लगती है तो यहाँ पर आपको एक सपोर्टिव सेक्शन देखने के लिए तेल बाजारों में मिल सकता है। लेकिन अभी सिर्फ र्यूमर मात्र है, उसकी कोई पुष्टि अभी तक अभी बाजारों में नहीं हो पाई है और ना ही न्यूज़ मार्केट 24 उसकी पुष्टि करता है, सिर्फ अफवाह मात्र है। लोग कह रहे हैं कि बाजारों में बढ़ना चाहिए, ऐसी मांग चल रही है। अब अगर बात करेंगे गेहूं के बाजार में तो गेहूं का बाजार 2650 रुपए के आसपास ही चल रहा है। लगातार बाजारों में तेजी देखी जा रही है। शुगर के बाजारों में गिरावट है, शुगर के बाजारों में बहुत बड़ी फिलहाल के लिए तेजी देखने के लिए नहीं देखी जा रही है। शुगर बाजार में रेंज बाउंड ही कामकाज देखा जा रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं किस तरीके से, आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है, उसको आपको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, अभी जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी प्रॉपर जानकारी आप लोगों को रोजाना वीडियो के माध्यम से आप लोग को दी जाती है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो इस तरीके की जानकारी रेगुलर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो हमारे तरफ से हमारा पूरा एफर्ट रहता है, आपको बता देते हैं जो लोग नए जुड़े होंगे, लगभग 1,52,000 से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर, 28,000 से ज़्यादा फेसबुक पर सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार बाजारों में आप देख रहे हैं कि बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सारी जानकारी आपको प्रॉपर रूप से रोजाना यहाँ पर दी जाती है और बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण 9:45 से 10:05, 10:10 तक सोमवार से शुक्रवार आप लोगों के साथ रहते हैं। संडे के दिन आपका Q&A होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर, आपके सवाल जवाब, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। और आप मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन होने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए और तुरंत जाके आप हमारे साथ अभी ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन के बटन से भी आप डायरेक्ट वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज है वीकेंड, हफ्ते के आखिरी दिन, बात करेंगे आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सोयाबीन के मार्केट में, सरसों के बाजार में और जो लोकल बाजार है यहाँ पर आज कैसी कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड आपको आज के दिन देखने को मिल सकता है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे खबरों में आगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। तो अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा सोयाबीन में वैश्विक आपूर्ति बढ़ने के अनुमान से सोयाबीन पर दबाव पड़ा है। महाराष्ट्र के तिपलाड़ में सोयाबीन भाव 4,670 से लेकर 4,700 के दायरे में है। सोया तेल में मांग सामान्य से कम है क्योंकि पाम अभी तक नीचे है। इसके बावजूद सोया के लिए स्टॉकेट्स की सक्रियता भी बढ़ी है जिससे बाजार 5 से 7 रुपए प्रति 10 किलो तक के हिसाब से मार्केट में बढ़ चुका है। कांदा बंदरगाह पर सोया रिफाइन 960 पर स्टेबल है लेकिन जल्द ही 980 से 1,000 रुपए तक भी बाजार ऊपर स्तर पर जा सकता है। सोयाबीन का बाजार आज के दिन फ्लैट नजर आ रहा है। अमेरिका के मार्केट में भी जो कीमतें हैं फिलहाल अभी इसमें स्थिरता नजर आ रही है, 4 से 5 दिन से स्थिरता है बाजारों में। और खबरें सोयाबीन के बाजार को ये भी लेकर आ रही हैं कि सरकार MSP बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। तो अगर MSP बढ़ाई जाती है तो सोयाबीन के बाजार पर कीमतों पर आपको इस चीज़ का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के बारे में रेट के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है, लातूर में एडियम प्लांट का वो 4,650, एडियम प्लांट में कीमतें 4,540 है, ऑक्सीजन प्लांट में रेट 4,560 है, विजय प्लांट का रेट 4,650 है, दुनिया में रेट डिसान प्लांट में 4,675 रुपए है, नारेन में श्रीधर रामेश्वर प्लांट में रेट आज का 4,635 रुपए देखा जा रहा है। सोया ऑयल भी महाराष्ट्र में कीमतें डिसान प्लांट में 995 है, धनराज प्लांट का रेट 975 है, एग्रो प्लांट में कीमतें 985 है, श्रीनिवास प्लांट का रेट 970 है। मध्य प्रदेश में
इसके अलावा सोयाबीन प्लांटों में प्रकाश प्लांट का रेट 4,650 रुपए है, प्रशीत प्लांट में कीमतें 4,650 है, धनुका प्लांट का रेट 4,690 है। सावरिया प्लांट में कीमतें आज की 4,700 रुपए चल रही है। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में जो आज का रेट देखा जा रहा है धनुका प्लांट का 965 रुपए है, प्रकाश प्लांट का रेट 967 है। महेश प्लांट में आज की जो कीमतें हैं वो 967 चल रही हैं और रुचि प्लांट में 980 रुपए तक का बाजार में आप यहां से आज के दिन रेट देखकर चल सकते हैं। सोयाबीन के जो दाम हैं और वो उत्पादक मंडियों में अभी स्थिर देखे जा रहे हैं। व्यापारियों का मानना है घरेलू मार्केट में दैनिक आवक बराबर देखी जा रही है, ऐसे में हल्का सुधार देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार फिलहाल से एकदम से आपको एक तरफा देखने को नहीं मिलेंगे। अब खबरों में आगे बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, जो लोकल मिल है, होलसेल का मार्केट है, यहाँ पे कैसी कीमतें चल रही हैं, आज के दिन क्या रेट देखे जा रहे हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट के प्रेडिक्शन की जानकारी चाहिए, अगर आपके कोई सवाल हैं कि बाजारों में एमएसपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर कितना असर आपको आने वाले टाइम में खाद्य तेल के मार्केट पर सोया, सरसों, पामोलिन में देखने को मिल सकता है, तो इन सबके लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज खाद्य तेल के मार्केट में। तो लोकल मिलों में घरेलू बाजार में दाम स्टेबल हैं, बड़े दाम पर खाद्य तेलों में ग्राहक की सामान की तुलना में कमजोर देखी जा रही है, इसीलिए घरेलू जो बाजार है यहाँ पर खाद्य तेल कीमतों में बड़ी तेजी आने का अनुमान फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। मलेशिया पाम तेल जून में निर्यात बढ़ने की संभावना से शुक्रवार के दिन KLC में 0.25% तक की बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। पाम में बहुत अधिक मंदा नहीं है, लेकिन तेजी की गति भी धीमी हो सकती है। कांडला बंदरगाह पर ऑल इन 905 पहुंच चुका है, 915 होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा आज विदेशी मार्केट से भी बाजारों में अगर देखा जाए तो बाजारों में आपको स्टेबिलिटी ही देखने को मिल सकती है, स्थिर बाजार देखा जा रहा है। वनस्पति में आज का जो रेट चल रहा है 15 किलोग्राम में वो 1660 है, पामलिन में रेट 15 किलोग्राम में 1520 है, 1 लीटर पामलिन में रेट 92 रुपये, ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1640, 1 लीटर का रेट 99 है, फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1700 है, 1 लीटर फॉर्चून में कीमतें 121 चल रही हैं, बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइन में 1 लीटर का रेट 93 है, बेस्ट पामलिन में आज की कीमतें 1 लीटर में 87 हैं, बिनौला में आज का रेट 10 किलोग्राम में 980 है, सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 100 रुपये चल रहा है, मूंगफली में 10 किलोग्राम में आज कीमतें 1440 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, राइस ब्रांड में रेट 91 रुपये है, सोया ऑयल का रेट 100 रुपये है, सोया ड्यू में रेट बाजारों में 98 रुपये देखा जा रहा है, मस्टर्ड में जो आज का रेट है वो 120 है, एक्स्ट्रा में कीमतें 118 है, पामलिन में आप 92 रुपये तक की कीमतें बाजारों में यहाँ से देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो फ्लैट देखा जा रहा है, बाजार रुका हुआ है, बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। अब सरसों के बाजार के बारे में बात करते हैं, तो सरसों के मार्केट में भी बाजारों में आपको यहाँ से अभी स्थिर बाजार देखने को मिल सकता है। तेल मिलों की जो खरीद है वो घट चुकी है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की नरमी सरसों के बाजार में देखी जा रही है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी एक तरफा गिरावट का आने का अनुमान तो नजर नहीं आ रहा है। जयपुर में रेट 6125 रुपये पर स्टेबल है, भरतपुर में 50 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई है, आवक स्टेबल है, 5 से 6 लाख बोरियों की आवक हो रही है। और इसके अलावा घटे भाव पर बहुत ज़्यादा सरसों नहीं मिलती है, मंदा नहीं है लेकिन बड़ी तेज़ी भी नहीं नज़र आ रही है। सरसों में तेज़ी मंदी पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड कर सकती है। सरसों तेल जयपुर में रेट 1178 रुपये प्रति 10 किलो के दाम पर स्टेबल हैं, जो कि धीरे धीरे 1200 रुपये की तरफ बढ़ सकता है। मूंगफली के जो दाम है राजकोट में 1475 के आसपास हैं, यहाँ से भी दबाव है लेकिन बहुत ज्यादा मंदा नहीं है। बिनौला तेल में भी आने वाले समय में आगे आपको कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। दैनिक आवक में जो सुधार होना चाहिए सरसों में वो अभी नहीं देखा जा रहा है। आज की जो आवक है लगभग 5,50,000 बोरियों की देश भर की आवक हुई है, आवक घटने का असर भी आपको कीमतों पर देखने को मिल सकता है। बाजारों में ना बहुत ज्यादा तेजी है और ना ही गिरावट देखी जा रही है। रेट के बारे में बात करते हैं, मस्टर्ड सीड में जयपुर में रेट 6125 है, दिल्ली का रेट 6975 है, बरवाला में कीमतें 5750 है, ग्वालियर में आज का रेट 5700 है, हिसार का रेट 5700 है, गोयलकोटा में कीमतें आज की सरसों सीड की 5850 चल रही हैं, मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रेस में आज का रेट 1165 है, दिल्ली में कीमतें 1155 है, भरतपुर का रेट 1140 है, कच्ची घानी में रेट बाजारों में 1175 है, कोटा में रेट 1200 है, भरतपुर का रेट 1165 चल रहा है। प्लांटों के बारे में अगर इसके अलावा बात करते हैं तो प्लांटों में जो आज देखा जा रहा है रेट 6500 चल रहा है, सलोनी डिग्री में आज कीमतें 6500 है, सलोनी अलवर का आज का रेट 6675 है, सलोनी कोटा में कीमतें आज की 6400 रुपये देखी जा रही हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव, वो फ्लैट टू पॉजिटिव देखा जा रहा है। सरसों सीड को लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ अब बाजार नहीं है,
विदेशी मार्केट को देखते हुए कीमतों में मिला जुला रुख देखा जा रहा है। उत्पादक मंडियों में सरसों में दैनिक आवक भी स्टेबल है। दाम में बहुत ज्यादा चेंज फिलहाल के लिए नहीं चल रहा है। व्यापारियों के अनुसार चालू हफ्ते में सरसों में कीमतों में ऊपर से मंदा देखा गया है, जबकि स्टॉकेट्स की बिक्री भी थोड़ी बहुत कमजोर हो चुकी है। हालांकि गर्मियों का सीजन होने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, डिमांड पहले की तुलना में इसमें कमी दर्ज करी गई है, लेकिन सरसों कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक जो आयातित खाद्य तेल का बाजार है यहाँ पर डिपेंड कर सकती है। टोटल जो आवक है वो 5,50,000 बोरियों के आसपास की हुई है और इतनी ही फिलहाल भी आवक बनी रहने का अनुमान है, तो आवक का दबाव भी आपको कीमतों पर देखने को मिल सकता है। कीमतों में गिरावट तो आ सकती है, लेकिन एक तरफा बहुत ज्यादा बड़ी आपको नरमी देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। Thanks for watching Bureau Report News Market 24.